समय की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। राजनीति की बड़ी खबर ये है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार बन सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर ये। ऐसी खबर ये, पहले आप तस्वीरें देखिए, टाइम्स ऑन भारत पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और माना जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद में शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी जारी हैं। आज सीएम एकनाथ शिंदे राजभवन में मौजूद हैं। अजीत पवार के पास 23 विधायकों का समर्थन है। अजीत खेमे के 9 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। जल्दी जल्दी से इस पूरी खबर से जुड़ी हुई अपडेट मैंने आपको बता दी। और अब आप ये समझिए, दरअसल अजीत पवार पिछले काफी समय से नाराज चल ही रहे थे एनसीपी से, ये हम सभी जानते हैं। हालांकि माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में एनसीपी की तरफ से एक बड़ी बैठक होगी और कुछ बड़ी भूमिका अजीत पवार को दी जा सकती है, लेकिन इसके पहले अजीत पवार ने बता दिया है। मेरे साथ ही शिवानी भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी। शिवानी, ये महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ी हलचल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी भी विजय साहब आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीरें का सबसे करीब से, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट तस्वीर ये है कि कुछ दिनों पहले शरद पवार इस्तीफा देते हैं, फिर पार्टी की जो नई धारा है वो सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के हाथों जाती है। वही सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल जो है वो यहाँ पर, सुप्रिया सुले नहीं लेकिन प्रफुल्ल पटेल जरूर शामिल थे, लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे वो कार्यकर्ता हैं जो आज तक शरद पवार के नाम पर काम करते आए हैं, उनके लिए ग्राउंड पर जुटे रहे हैं। और इसीलिए साफ तौर पर तस्वीरें एक ज़्यादा अहमियत जो है वो दिखाती हैं, लेकिन अपने दर्शकों को हम सबसे पहली और करीब की तस्वीर दिखा सकें कि जो पूरी शपथ विधि है वो कैसे होगी। इसलिए इस शपथ विधि के सबसे करीब जो है वो हम जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से जो सभी नेता है वो यहाँ बड़े पैमाने पर पहुँचे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है कि पिछली बार जब कुर्सी का खेला बिगड़ा था तब भी यहाँ पर एक अहम फैसला बीजेपी के टॉप लीडर्स द्वारा लिया गया था। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ कि पिछली बार जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने ये कहा था कि वो किसी भी कुर्सी को नहीं अपनाएंगे, लेकिन वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक रोल निभाएंगे, और वैसा कुछ हुआ। लेकिन 15 मिनट के बीच में एक ऐसा बीजेपी की टॉप लीडरशिप से कॉल आता है और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो लेनी पड़ती है। यहाँ पर तस्वीरें दिखाते दिखाते ही हम पहुँचेंगे और आपको बताएंगे। इस बार भी ये हुआ है कि अजीत पवार यहाँ पर आए हैं। एक मीटिंग होती है रविवार के दिन जब शरद पवार मुंबई में मौजूद भी नहीं है, शरद पवार पुणे में प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, इसी बीच में अजीत पवार की मीटिंग होती है और पूरी चीज़ों को इंस्पेक्ट करने के लिए खुद सुप्रिया सुले ग्राउंड पर होती है, क्योंकि शरद पवार यहाँ नहीं है, सुप्रिया सुले को मौजूदगी में भी ये मीटिंग होती है, यानी कि इस पूरे विद्रोह की आई विटनेस जो है वो खुद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले है। और इस समय की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। राजनीति की बड़ी खबर ये है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार बन सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर ये। ऐसी खबर ये, पहले आप तस्वीरें देखिए, टाइम्स ऑन भारत पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और माना जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद में शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी जारी हैं। आज सीएम एकनाथ शिंदे राजभवन में मौजूद हैं। अजीत पवार के पास 23 विधायकों का समर्थन है। अजीत खेमे के 9 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। जल्दी जल्दी से इस पूरी खबर से जुड़ी हुई अपडेट मैंने आपको बता दी। और अब आप ये समझिए, दरअसल अजीत पवार पिछले काफी समय से नाराज चल ही रहे थे एनसीपी से, ये हम सभी जानते हैं। हालांकि माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में एनसीपी की तरफ से एक बड़ी बैठक होगी और कुछ बड़ी भूमिका अजीत पवार को दी जा सकती है, लेकिन इसके पहले अजीत पवार ने बता दिया है। मेरे साथ ही शिवानी भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी। शिवानी, ये महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ी हलचल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी भी विजय साहब आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीरें का सबसे करीब से, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट तस्वीर ये है कि कुछ दिनों पहले शरद पवार इस्तीफा देते हैं, फिर पार्टी की जो नई धारा है वो सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के हाथों जाती है। वही सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल जो है वो यहाँ पर, सुप्रिया सुले नहीं लेकिन प्रफुल्ल पटेल जरूर शामिल थे, लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे वो कार्यकर्ता हैं जो आज तक शरद पवार के नाम पर काम करते आए हैं, उनके लिए ग्राउंड पर जुटे रहे हैं। और इसीलिए साफ तौर पर तस्वीरें एक ज़्यादा अहमियत जो है वो दिखाती हैं, लेकिन अपने दर्शकों को हम सबसे पहली और करीब की तस्वीर दिखा सकें कि जो पूरी शपथ विधि है वो कैसे होगी।
इसलिए शपथ विधि के सबसे करीब जो है वो हम जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से जो सभी नेता है वो यहाँ बड़े पैमाने पर पहुंचे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये हो जाती है कि पिछली बार जब कुर्सी का खेला बिगड़ा था तब भी यहाँ पर एक अहम फैसला बीजेपी के टॉप लीडर्स द्वारा लिया गया था। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने ये कहा था कि वो किसी भी कुर्सी को नहीं अपनाएंगे लेकिन वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक रोल निभाएंगे, और वैसा कुछ हुआ। लेकिन 15 मिनट के बीच में एक ऐसा बीजेपी की टॉप लीडरशिप से कॉल आता है और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो लेनी पड़ती है। यहाँ पर तस्वीरें दिखाते दिखाते ही हम पहुँचेंगे और आपको बताएंगे। इस बार भी ये हुआ है कि अजीत पवार यहाँ पर आए हैं, एक मीटिंग होती है रविवार के दिन जब शरद पवार मुंबई में मौजूद भी नहीं है, शरद पवार पुणे में प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, इसी बीच में अजीत पवार की मीटिंग होती है और पूरी चीज़ों को इंस्पेक्ट करने के लिए खुद सुप्रिया सुले ग्राउंड पर होती है, क्योंकि शरद पवार यहाँ नहीं है, सुप्रिया सुले को की मौजूदगी में भी ये मीटिंग होती है, यानी कि इस पूरे विद्रोह की आई विटनेस जो है वो खुद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले है।